तेरे भाभी कहाँ है बे? भाभी? हाँ भाभी आज ऐठी यहाँ है। क्या है? ऐठी यहाँ। ऐठी यहाँ है? पर रही है कब? अब ये तो बैठ गया, पर रही है कब? ये कहाँ का यहाँ? हाँ अब तो कह रहा कि भैया ऐठी यहाँ है भाभी। कुर्सी अब कहाँ करत? बैठी है। जाके बता दो कि भैया आ गए हैं। ये बात ए भूजू नरिया थे नरिया थे नरिया तो ना ये पूरा हम पूरा खपड़ा हो गया है। हम तो का नरिया लागत है उससे चिल्लावे करता है भैया। तो ऐसे बता के भैया आ गए प्यार से नहीं बता बनते का प्यार की भाषा नहीं जानते। कैसे बताया हो इसे तमाम बोली अरे खुद रहो खुद रहो खुद रहो खुद रहो भगवान तोरे तीन तीन लड़का दी काका तीन तीन लड़का है यार फिलहाल हो गई हरिचंद यहाँ पे आज तेरे भौजी बहुत अच्छी लग रही है रे। आज भौजी पूरा जामत जामत रहे उखाड़ गया ये अच्छे लग रही है। जब मैं कभी आता था ड्यूटी से तो इस तरह का अच्छी नहीं लगती थी मैं लेकिन अच्छी लग रही है। राजकली मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। अरे स्वामी जी आप हमसे ना कह के मैं तुमसे नहीं किंतु का दूसरे से कहने जाओगे बात तो तब ठीक कह रही हो। तो कह डालिए दिल की बात दिल में नहीं रखना चाहिए कह डालिए क्या बात है। बताओ सही सब बताओ सही आज तरह तरह सब करके कहा के तैयारी बना के रखी हो कहने में कहां जा रही सवाल पैसा
हमारे जगत बहादुर मेला वाली भैया, मेला वाली साहब 21 रुपया भैया के बार बार नमस्कार है। और बताइए चित्रा घर के कहा तैयारी बना के रखी हो? अरे सर भज के जात बानी अपने भैया की। अच्छा क्या कर ले? जो नकसवा बात है 2000 रुपया ले जो नासगड़ा। अच्छा अच्छा अपन सकल दिखावे नहीं। अरे आका तुम्हारा भाई जो है अपने पत्नी के बीमारी में 2000 रुपया लेकर। हां तो हर मेरा बीमार है तब यार हम ले गयो। अच्छा नहीं कि नहीं गया कमाए कर जाए पहुंचाई तो फिर दोबारा कमाला चांस रहा है। ई नासगड़ा ओइसे चेतन वाले चलते बड़के भैया प्रधान जी से मिल ले भाई। अच्छा और ई बहाना कसवा से पैसा मांग ले भाई हम। अरे राज की तुझे मालूम नहीं है दाम तुम्हारा भाई आकाश है तुम्हारा जो बड़ा भाई है कुछ भी नहीं दिया है ना रहने का घर है ना खाने का ठिकाना है। बोलो भैया। हाय आगे हमारे दशरथ चाचा जग्गा बाचा जम गई जम गई जम गई जम गई। हाँ अरे भौजी जम गई भौजी जम गई। 21 रुपया पुरस्कार हमारे दशरथ चाचा जग्गा बाचा के भैया के बार बार नमस्कार है। सुनो मेरी बात। अरे मुसीबत मेरा काश अरे भाई तुम्हारा है और वहां पहुंचा करके उसको मत सताओ और जो खुद सताया हुआ है। अरे 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 बता रहा था। अरे देह तो हम यही एनकर कलनी का है छाती फाड़ का ओ काम सतावई जाते तो सी का मतलब बा तू कहां से लेके आए रहो भाई ये तो कहां अरे चल बीच में कूदे लागत कलनी का 8-10 साल हो गवा। ये हमारे घर आया है कमाए कमाए कितना रुपया हम एक दे दिन लेकिन एक रुपया से पेट नहीं भरता गुड्डू का भारी बतावा 2000 रुपया खातिर इजाज भी अपने मायके अब एक भाई जो राम पर कशो पर धावा बा कुछ नहीं दे है कुछ नहीं। देखो राजकली मेरे पास तुम्हारा भाई आकाश फोन किया था कि जेजा जी मैं तुम्हारे घर पे आ रहा हूँ। अरे वो देखो अच्छा एक मतलब पैसा ले क्या बात बा सुना है पैसा इनका चाहिए तो ही तो कहा बड़ा फोन करे रहा ना कसवा आवा तब चले पैसा ही बुजरी ना तब से मिलने आ रहा है। ओ देखो वो आकाश आ रहा है ओ देखो अरे चलो देखो आ रहा है ना। जीजा जी के कदमों में आकाश का आप सब खुद हो आकाश खुद हो मुन्ना खुद हो ये बताओ। अरे ए मुन्ना तेरे आंखों से आंसू रे जब तू मेरे घर जाता था तेरे चेहरे में अच्छे लगते थे लेकिन तेरे आंखों से आंसू क्यों बह रहे ये बात क्या है मुन्ना बोल ना। बता रहा हूं जीजा जी लगता वो रूठा
जो करतार है तुम्हारी भाभी गीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। घर की कहानी तुम्हें हर प्रकार से मालूम है। बड़े भैया भाभी ने मुझे अपनों से अलग कर दिया। आज एक पैसा नहीं है कि मैं अपनी पत्नी गीता का इलाज कर सकूं। पैसा लगेगा लगाऊंगा मैं और रोज धोने से कुछ दाम बनता आप हैं श्री अमृतलाल पहलवान जी। ये सीन देखते ही करोगे एक बार नमस्कार। आज मालिक ने मेरे आंखों में आंसू के सिवा कुछ नहीं दिया है। तुम तो जानते हो जीजा जी कि मेरे घर में क्या हुआ है। आप भली भांति मालूम है आपको, लेकिन एक बात मैं आपसे जानना चाहता हूं। जब भी मैं आपके पास आया करता था, आपसे मुलाकात होती थी, बहन राजकली से मुलाकात होती थी। लेकिन जीजा जी आपसे मुलाकात हो गई, आपसे बातें हो गई, लेकिन आज मेरी बहन राजकली नहीं दिखाई दे रही। बात तो ठीक कह रहा है आकाश। जाओ तो मेरे घर में आता था, जब आते हो तो अपनी बहन की ही तलाश करते हो। आज है अपना अपना होता है पराना होता है। ओ तुम्हारी बहन है ना, कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारी बहन को मैं बुलाता हूं। अरे राजकली, एक तुम्हारा भाई आकाश आ गया है। ओकर मामा का तो हर मामा का करिए आरती उतार ले का। देखो आकाश आया है और खाने पीने का प्रबंध को अच्छे ढंग से करना। आकाश देखे बुला, मैं तो चल रहा हूं, लेकिन जब तुम जाते समय अपने चीजों से मुलाकात करके तुम जाओगे। अच्छी बात है जीजा जी, जरूर मिलकर के जाऊंगा। चलो चाय पीते हैं। देखो ये भाई बहन है, ये अपना बतलाए क्या बतलाए क्या आपसे क्या मतलब है, लेकिन मैं इसे कहूँ कि आप जाते समय अपने चीजों से मुलाकात करके जाओगे। जीजा जी बहन, मैंने कहा नमस्ते बहन, नमस्ते। ठीक है ठीक है ठीक है, नमस्ते नमस्ते बहन। और कसम का हाल बा? बढ़िया है बहन। आज तेरे पास मैं किस लिए आया हूँ शायद तुझे पता नहीं होगा। अरे का पैसा इसे लेके आये हो बे? और कथा बरे आये बे? मैं अपने मतलब इस चला था बहन। कर्ज कर्ज होता है, ए मत सोचो बहन कि तेरा पैसा मैं भूल गया हूँ। आज ही मुझे याद है कि मेरी बहन ने मुझे 2000 रुपया दिया है, मुझे देना है। लेकिन बहन आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूँ। अच्छा कहो का कहते कहो। मेरी बात सुनो, बीमारी से लाचार भाभी तुम्हारी, बीमारी से लाचार अरे भाभी तुम्हारी, बीमारी से लाचार
भाभी गीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है बहन, एक बार तू मेरी मदद कर दे, तेरी भाभी ठीक हो जाएगी, मैं तेरा एक एक पाई का हिसाब खत्म कर दूंगा बहन, खत्म कर दूंगा। खाला जी का घर खुला बात है, जहीन पहुंचो हाथ बैग निकाल के लेके चला जा। एक तो 2000 पिछला कर्ज दिए से नहीं, इम नाथ कराए बा बीमारी के बहाने के फिर मांगाई तो का कितना दे दे तोर पूर्ति हो जाए बता बहन। कर्ज कोई अच्छी चीज नहीं होती है बहन, लेकिन आज मैं तेरे पास इसलिए आया हूं कि तू मेरी सगी बहन है, मैं तेरा सगा भाई हूं, अगर तेरी भाभी को कुछ हो गया तो मेरी दुनिया उजड़ जाएगी। भगवान, सगी बहन यही सगा भाई का तो रख ठेकेदार यही कहा। ये आ गए हमारे भैया मोहम्मद सईद, ये आ गए हमारे भैया मोहम्मद सईद हरकपुर से और हाथ जो आए हुए हैं, 11 रुपया दे रहे हैं पार्टी तरफ से। भाई साहब को नमस्ते पहुंचे, एक एक बात जान ले, पहले 2000 रुपया लगे, 1 रुपया नहीं देना तक का, अब एका एक रुपया जी दी हो, एक रुपया का मिलेगा। एक तो भौजी अब की धाने में गंडो लग गई, आखिर तो खुद ही जानते हैं कि धाने में गंडो लग गए, ओके दवाई पर तो पैसा ओसो नहीं रहा हमारे पास, हां एक ही मन से दुआ है करो कि जाबे नहीं करता है, टिकुली देख बैठा रहा था। सुन हमार बा, क्या बात है बहन, अरे चला जा आकाशवा भलाई ऐसा मत कहो बहन, ऐसा मत कहो बहन, मेरी बात सुनो। अरे नहीं इस तरह बहना, अरे घर से भगाओ बहन, इस तरीके की बातें मत सुनाओ बहन, तेरे सिवा इस दुनिया में है कौन, अपने भाई के ऊपर तरस खाओ बहन, एक बार तू मेरी मदद कर दे बहन, मैं तेरा एक एक पाई चुका दूंगा बहन। तुमको ये समझा रही, जा चला जा यहाँ से बहन।
तूने अपना और पराया साबित कर दिया बहन। आज मैं तेरे पास अपना समझ कर आया था, लेकिन आज तू मुझे पराया समझ रही हो बहन, पराया समझ रही हो। राजकली सबसे दोस्ती कर सका था, मगर पैसा से ना बाबा, बहुत दूरी है बहन। एक रुपया मिली मिलन जा। मैं तेरे दरवाजे से जा रहा हूँ, लेकिन आकाश अब तेरे दरवाजे पर उसी दिन आएगा जब मालिक तेरे पैसे का इंतजाम कर देगा बहन। हाँ हाँ जा, हमारे 2000 रुपए पहुँचा दे, तेरे खिमा में नहीं दौड़ी है, समझे जा। या मालिक, तू मेरी कैसी परीक्षा ले रहा है परमात्मा, इस जिंदगी से ज्यादा बेहतर तू मेरी मौत दे दे मालिक, मेरी मौत। हमारे घर चला देता है, मर जा चाहे हमें सुना में, मगर हिया ना मार, एक रास्ता दिखा दे जाए। याद है हमारे भैया जग्गा चाचा और दशरथ चाचा, ये 11 रुपया दे रहे हैं पार्टी तरफ से, भाई साहब को नमस्ते पहुंचे। इस भाई बहन का रिश्ता देखा भैया, एक भाई बहन का रिश्ता ही हो तो कौन दुख सुख पड़े तो मौका दे, ऐसे बहन बात यहाँ दोबारे से डांट के भैया बहन यहाँ। जुरो मामा, उतना पैसा हमारे पास नहीं है मामा, नहीं दे तो मेरे भाई हरिचंद तो कहीं मिला तेरे चलाई ला तो मारा मुंह ने नुआ सुसुक जाए एक दाने हरामी, एक रास्ता दिखा कर जाए, बड़ा मयान है। मैंने सपना के महला बनावे, मैंने सपना के महला बनावे, दुनिया देना चलावे, चिड़ी की जाके खेला समाज में नया वही, चिड़ी की जाके खेला समाज में नया वही। अमृतलाल चचा श्री की तरफ से 30 रुपया, बाबू जी के पावला जी साथ सभा के नमस्कार है। समय हसावई समय बलवान होता है बाबू जी, चाहे तो ऊपर वाला राई को पर्वत बना दे और पर्वत को राई बना दे बाबू जी। हाँ। ये हमारे भैया मास्टर राम सजीवन, ये हमारे भैया मास्टर राम सजीवन जो गजना के निवासी हैं, 11 रुपए दे रहे हैं। जब तक आप सब मेला कमेटी वाले हो भैया, मेला को सजा कर रखे रहे। समय आसावे समय रोवावे समय ही नाचे नचावे, ये हमारे दशरथ चाचा और मिराज भाई की तरफ से 10 रुपया बाबूजी के पावला की आशीर्वाद के कामना है। ये हमारे माता प्रसाद मुकुंदपुर के निवासी है, 11 रुपया पुरस्कार भैया के बार बार नमस्कार है।
क्या?